हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आपका हुमैरा व्लॉग्स में स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आलमंड केक। ये दिखने में जितना ही रॉयल है, खाने में उतना ही टेस्टी है। तो आइए इसकी रेसिपी देखिए। ये मैंने मिल्क बॉयल होने रख दिया था। इसमें मैंने वन टेबल स्पून मैंने इलायची पाउडर ऐड किया घर में पीस के। इसमें थोड़ा शुगर ऐड किया, 2 टेबल स्पून शुगर ऐड किए, पीसी हुई शुगर ऐड किया मैंने। 1/2 टीस्पून मैंने फूड कलर ऐड किया, ऑरेंज कलर का केसरी कलर फूड कलर ऐड किया मैंने। कुछ ये 100 ग्राम मैंने आलमंड ऐड किया कट करके। 1/2 कप मैंने इसमें फ्रेश क्रीम ऐड किया, अमूल फ्रेश क्रीम। इसको बॉईल आने तक के लिए मैंने इसको गैस पे ही रहने दिया। जैसे ही बॉयल आ चुका, मैं इसे गैस से हटा दी, गैस ऑफ करके। इधर पे मैंने व्हिप क्रीम बनाना स्टार्ट किया है। मैंने ये 3 पैकेट अमूल फ्रेश क्रीम लिया था और इसमें 2 टेबल स्पून मैंने पिसी हुई शक्कर ऐड किया था। अगर आपको व्हिप क्रीम शॉप पे भी मिल जाएगा बनी बनाई, तो आप वो ले लीजिए। घर में बनाना भी बहुत ईजी है, पर आपके पास इलेक्ट्रिक विक्सर हो तो ही, क्योंकि मेरे इलेक्ट्रिक विक्सर ख़राब हो गया था। तो मैंने ये नॉर्मल वाले से किया, इससे बहुत हाथ दुख रहा था और बहुत देर भी लगा था मुझे फ्रेश क्रीम को व्हिप क्रीम में बदलने में। आप लोग देख सकते हैं मेरा व्हिप क्रीम ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब मैं यहाँ पे और चीज़ करूँगी। मैंने एक यहाँ पे बड़ा बाउल लिया, इसमें मैंने केक ऐड किया। ये वेनिला फ्लेवर का केक है विटानिया का, आपको भी कोई भी शॉप पे ये मिल जाएगा। इसे मैंने अच्छे से लाइन से लगाया, फिर इसमें मैंने वो दूध मिल्क जो रेडी किया था वो मैंने इस पे डाला। आप लोग देख लीजिए मैंने वो मिल्क इस पे डाला। अब मैं इस पे व्हिप क्रीम ऐड करूँगी। अच्छे से केक को एकदम ढक देना है व्हिप क्रीम से। आप लोग देखिए एकदम अच्छे से मैंने व्हिप क्रीम से ढक दिया है इसको, केक को। ज़रा भी केक नहीं दिख रहा है मेरा। और इस पे आलमंड ऐड किया। अब वैसे ही दूसरा तह रखेंगे हम। मैंने अब दूसरा तह चॉकलेट केक का रखा है। आप लोग को जो फ्लेवर का केक चाहिए आप वो फ्लेवर लीजिए। खाने में बहुत टेस्टी लगता है और आसान से बनने वाली रेसिपी है। अभी पूरा हमें जैसे फर्स्ट किया था हमने फर्स्ट स्टेप, ऐसे ही सेकेंड स्टेप भी पूरा करना है। वैसे तो ये 3-4 लेयर का बन सकता था, पर मेरा बाउल छोटा था इसके लिए मैंने 2 ही लेयर लगाया। देखिए व्हिप क्रीम से मैंने अच्छे से ढक दिया। अब मैं इस पे वही वाला मिल्क ऐड करूँगी जो मैंने रेडी किया था। पूरा अच्छे से व्हिप क्रीम मैंने इसमें ऐड कर दिया और इसमें मिल्क ऐड कर रही हूँ, जो मैंने बादाम का मिल्क बनाया था वो ऐड कर रही हूँ। और ये मिल्क बचा के रखना है हमें, लास्ट में सर्व करते टाइम ये मिल्क को डाल के सर्व करना है। इसमें मैंने आलमंड भी ऐड किया, फिर ढेर सारा आलमंड इस पे ऐड करना है। ये आलमंड केक है तो आलमंड तो ज़रूरी है इसमें बहुत सारा डालना। दिखने में जितना ही डिलीशियस है, खाने में भी उतना ही डिलीशियस लगता है। इस पर मैंने प्लास्टिक रैपर कर लिया और मैंने इसे 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया सेट होने के लिए। व्हिप क्रीम सेट होना बहुत ज़रूरी था। देखिए अभी मेरा व्हिप क्रीम एकदम सेट हो चुका है जब मैंने फ्रीज़र से निकाला था। और मैंने इसे कट करके सर्व किया। देखिए देखने में कितना ही टेस्टी लग रहा है। आप लोग भी एक बार इसे ज़रूर ट्राई करना। कोई मेहमान आए, कोई आपका एकदम स्पेशल गेस्ट आए, तो ये उसे बना के देना, वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस होगा आपको। अगर किसी को इंप्रेस करना है तो ज़रूर बनाना। आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना।